रिकॉर्डिंग ऑफ फिटल हार्ट रेट एसेलेशन इज रेस्पॉन्स टू फिटल मूवमेंट एज ए साइन ऑफ फिटल हेल्थ फिटल मूवमेंट के रेस्पॉन्स में जो फीटल हार्ट रेट एसेलरेशन होता है उसकी ग्राफिकल रिकॉर्डिंग को ही एन कहा जाता है और यह एक फीटल हेल्थ का साइन है एनएसटी इज कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मोनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट अलोंग विद रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल मूवमेंट। फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग करना फीटल मूवमेंट के साथ में विद इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, ठीक है यानी फीटल मूवमेंट की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में फीटल हार्ट रेट की भी रिकॉर्डिंग होती है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पर द टेस्ट इज वैल्यूएबल टू आइडेंटिफाइड द फीटल वेलनेस रादर देन इलनेस ओके एनएसटी डन बाई एक्सटर्नल कार्डियोटोकोग्राफी एंड रिकॉर्ड फिटल हार्ट रेट एक्सटर्नल एनएसटी मशीन के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी सी टीजी वही वही इसमें यूज होती है ठीक है इसमें क्या होता है ए बटन गिव टू द मदर विच कनेक्ट विद द मशीन एंड मदर पुश द बटन वैन शी फील फिटल मोमेंट एंड प्रेस द बटन फॉर एवरी फिटल मूमेंट सी टी जी मशीन में क्या होता है एक दो जो दो ट्रांसड्यूजर होते हैं उनके साथ में एक बटन भी अटैच होता है वो बटन मदर के हाथ में दे दिया जाता है और मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब भी उनको फिटल मूवमेंट फील हो उसी समय वो उस बटन को पुश करे देन जब वो बटन पुश करेंगी तब फिटल मूवमेंट्स की रिकॉर्डिंग हो जाएगी सीटीजी मशीन में और साथ में उसी टाइम की फिटल हार्ट रेट भी रिकॉर्ड हो जाएगी देन शुड बी रिकॉर्डेड विद ग्राफ फॉर ट्वेंटी मिनट एंड जो रिकॉर्डेड ग्राफ होता है वो ट्वेंटी मिनट के लिए होता है मींस ट्वेंटी मिनट तक ही उसकी ग्राफिकल रिकॉर्डिंग की जाती है एंड मोर देन थर्टी वीक वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के थर्टी वीक बाद में यह टेस्ट किया जाता है ठीक है अब देखते हैं इसके इंटरप्रिटेशन रिएक्टिव या नॉर्मल या नेगेटिव एन एस टी टू और मोर एसेलरेशन ऑफ मोर देन फिफ्टीन बीट पर मिनट एंड लॉन्गर देन फिफ्टीन सेकेंड इसमें क्या होता है कि एसेलरेशन जो एसेलरेशन की जो रेट होती है वो दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए उन उस ट्वेंटी मिनट के पीरियड में ठीक है और वो एक्सेलरेशन 15 बीट पर मिनट से ज्यादा का होना चाहिए एंड लंगर देन 15 सेकंड एंड वो 15 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो वो 15 बेसलाइन से 15 बीट पर मिनट ज्यादा की उसकी फिटल हार्ट रेट रिकॉर्ड होगी एंड जो फिफ्टीन बीट पर मिनट की रिकॉर्डिंग होगी वो उसका टाइम ड्यूरेशन फिफ्टीन सेकेंड से ज्यादा का होना चाहिए ठीक है अभी आपको ग्राफ दिखाते हैं, ये देखिए इसमें ये ट्वेंटी मिनट की है ये टोटल ट्वेंटी मिनट की रिकॉर्डिंग होगी ठीक है जिसमें दो एसेलरेशन देखने को मिल रहे हैं फिफ्टीन बीट पर मिनट फॉर फिफ्टीन सेकेंड इफ फिटल हार्ट रेट एसेलरेशन आर एबसेंट इन ट्वेंटी मिनट देन कंटिन्यू द टेस्ट फॉर फोर्टी मिनट ओके अगर फिटल हार्ट रेट एसेलरेशन उन ट्वेंटी मिनट में एबसेंट होता है अगर नहीं देखने को मिलता तो टेस्ट को 40 मिनट तक भी कंटिन्यू रखा जाता है ओके सी देखिए सीटीजी मशीन विद टू ट्रांसड्यूजर एंड वन पुश बटन ओके ये फिटल मूवमेंट्स विद फिटल हार्ट रेट ट्रेसिंग एंड दिस वन इज रिएक्टिव एंड नॉर्मल एनएसटी इसमें ये जो दिख रहा है वो है मोमेंट्स एंड ये है फिटल हार्ट रेट ओके अब इसको देखते हैं कि ये रिएक्टिव नॉर्मल और नेगेटिव क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें फिटल हार्ट रेट एसेलरेशन देखने को मिल रहा है इसलिए इसको रिएक्टिव बोलते हैं एंड ये नॉर्मल है ठीक है और नेगेटिव क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं देख रही फिटस में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है फिटस नॉर्मल है इसलिए इसको नेगेटिव भी बोलते हैं एंड सेकेंड इज पॉजिटिव एंड

एबसेंट होता है ठीक है मींस फीटल हार्ट रेट डज नॉट ग्रो अप इनफ़, ओके? इसमें क्या होता है कि ये फीटल हार्ट रेट जो है वो जो रिएक्टिव एनर्जी है उसके एसेलरेशन के क्राइटेरिया को अचीव नहीं कर पाती है एंड इसका कॉज क्या है ये क्यों होता है फीटल हाइपोक्सिया एंड फीटल एसिडोसिस के कारण ठीक है इसमें इंडिकेट होता है इसमें कि फीटल नोट वेल्बिंग है नॉट रिएक्टिव है एंड नॉट रियश्योर है ये देखिए नॉन रिएक्टिव एनएसटी इसमें फिटल मूवमेंट के साथ में कोई एसेलरेशन नहीं हो रहा है ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट सी एस टी फ एन एस टी रिजल्ट आर नॉन रिएक्टिव देन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेस टेस्ट विल बी डन प्रीवियस में हमने पढ़ा था एन एस टी अगर उसका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आता है देन उसके बाद में सी एस टी रिजल्ट सी एस टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है सी एस टी नीयर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में परफॉर्म करते हैं ठीक है जिसमें देखते हैं कि फिटस यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ में कितना कोप कर पाता है ठीक है सी एस टी ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इसको टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसका क्या यूज है टू असेस द फिटल वेल्पिंग टू असेस प्लेसेंटल ऑक्सीजनेशन एंड फंक्शन टू डिटरमाइन फीटल एबिलिटी टू टोलरेट लेबर ठीक है कॉन्ट्रेक्शन को इंड्यूस करने पर जो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं इसमें एंड कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो उसको चेक भी चेक करते हैं ठीक है इसमें भी हम सीटीजी मशीन का ही यूज लेते हैं ठीक है इसमें लेबर के टाइम पे डूरिंग डिलीवरी फिटस में फिटस की उस लेबर प्रोसेस को ठीक है उस स्ट्रेस को कितना टॉलरेट करने की एबिलिटी है वो इसमें देखते हैं ठीक है इसका ड्यूरेशन जो होता है वो टू हावर का होता है अब देखते हैं मेथड इसके मेथड होते हैं फर्स्ट निप्पल स्टिमुलेशन सेकंड स्लो इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन। निप्पल स्टिमुलेशन कैसे करते हैं कि निप्पल्स को या पुश पुश करते हैं, ठीक है? जिससे कि निप्पल्स पर जो नर्व एंडिंग्स होती है वो स्टिमुलेट होती है एंड नर्व एंडिंग हाइपोथैलेमस को मैसेज देती है एंड हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगी ठीक है एंड जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है ठीक है यूट्रेस इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रेक्टेड बाय द ऑक्सीटोसिन ठीक है स्ट्रेस फिटनस फील स्ट्रेस एंड इंक्रीज फिटल हार्ट रेट एंड देन जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फीटस को स्ट्रेस फील होगा क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बात है कि कोई भी इंडिविजुअल हो अगर स्ट्रेस में होता है तो अगर कॉन्ट्रेक्शन में होता है अगर वो मतलब किसी ऐसी कंडीशन में होता है कि मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा हो है ना स्ट्रेस स्ट्रेस हो रहा हो उसको तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है ठीक है तो फिटस की हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं, इसके इसके भी दो रिजल्ट निकल के आते हैं फर्स्ट है सीएसटी नेगेटिव टेस्ट या नॉर्मल सेकेंड सी एस टी पॉजिटिव टेस्ट या एबनॉर्मल तो फर्स्ट देखते हैं सी एस टी नेगेटिव टेस्ट नॉर्मल जो होती है इसमें क्या होता है फिटल हार्ट रेट इंक्रीज बाय फिफ्टीन बीट पर मिनट इसमें कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे फिटल हार्ट रेट फिफ्टीन बाई फिफ्टीन बीट पर मिनट इंक्रीज हो जाती है जो कि फिटल वेल्बिंग का साइन है एंड फेटल आर रिएक्टिव ठीक है एंड सेकंड है सीएसटी पॉजिटिव टेस्ट या एबनॉर्मल इसमें इसकी दो कंडीशन होती है लेट डीसेलेरेशन एंड वेरिएबल डीसेलेरेशन ठीक है तो फर्स्ट होता है लेट डीसेलेरेशन डीसेलेरेशन स्टार्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है इसमें क्या होता है कि कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद में फिटल हार्ट रेट का डिसलेसन होना स्टार्ट हो जाता है फिटल हार्ट रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है इट कॉज बाय यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी, इसका कोज क्या है यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी सफिशियंसी मीन्स फीटस के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जो प्लासेंटा के थ्रू सप्लाई नहीं हो रही है ठीक है इसका सेकंड है वेरिएबल हार्ट रेट डिक्रीज विद यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड इंक्रीज़ विद वेरिएबल्स इसमें क्या होता है कि जो फिटल हार्ट रेट होती है वो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के साथ में डिक्रीज हो जाती है एंड उसके बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होती है विद वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स यानी जिक जैक मैनर में इंक्रीज होती है फिटल हार्ट रेट इसका कोज क्या है कोड कंप्रेशन कोड कंप्रेशन के कारण ऐसा होता है ठीक है अगर पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज करवा दें तो यह कंडीशन नॉर्मल हो सकती है ये देखिए सीएसटी ये नेगेटिव सी एस टी है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ में थोड़ा फिटल हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है एंड ये लेट डिसलेशन इसमें फीटल फीटल हार्ट रेट जो है वो यूटेरियन कॉन्ट्रेक्शन के बाद में डिक्रीज हो रही है इसमें ये नीचे वाला जो है वो वन सेकेंड ये वाली जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन और ये वाली जो है वो है फिटल हार्ट रेट जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन का एंड हो रहा है वैसे ही फिटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल डिसलेशन इसमें इसमें देखिए कॉन्ट्रेक्शन के साथ में फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है एंड देन एग्जैक्ट मैनर में इंक्रीज हो रही है ओके थैंक यू